अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे पर। तो वैलेंटाइंस डे किस तरह के लोग मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं और क्या क्या ठरकीपन जो है वो आपको रोडों पर देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लीज प्लीज देखो प्लीज। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा प्लीज, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और एंजॉय करते हैं। अमीरों के लिए मिलने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना वैलेंटाइंस डे का होना जरूरी है, क्योंकि रोज ही मिल लेते हैं, जिम में मुलाकात होगी, ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए एक दूसरे से गप्पे मार रहे होते हैं मजे से, घर के सामने पार्क है, वॉक करते हुए गए तो एक दूसरे से मुलाकात हो गई। मसला तो इन बेचारे गरीबों के लिए, घर से निकले ही तो बाहर जो है ना गोगा पान वाला, अब पान वाली दुकान पे बात कर लो तो मोहल्ले में सब्जी वाला भी घर जाके शिकायत लगा लेता है, तेरी बेटी उससे बातें कर रही थी, तेरी इज्जत जो है ना गलियों में रौंद रही थी। ये बेचारे गली से निकलते हैं किसी तीसरे मोहल्ले में जाके गप मारने के लिए, वहां भी अगर कोई चचा देख ले तो अब्बा को शिकायत लगा देता है, कुड़ी नु जरा संभाल के रख, आ गलियां लूर लूर कर दी। अब कुछ लोगों का वैलेंटाइंस डे बिल्कुल मेरी तरह गुजरता है। अब यहां हम बात कर लेते हैं मिडिल क्लास लड़कियों की, कि वो वैलेंटाइन डे मनाने के लिए किस तरह से एफर्ट कर रही होती है। जब सुबह सुबह उठती है तो अजीब सा प्यार माँ पे आ रहा होता है, मम्मा मम्मा आपको पता है ना मैंने आज जाना है, मेरी सहेली की सालगिरह है, मम्मा आज बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सारे बर्तन धो दूंगी और पूरे घर की सफाई भी कर दूंगी और बाथरूम का गंद भी उठा दूंगी, क्योंकि आज मैंने जाकर होटल में गंद करना है। पहले लड़कियां बड़ी सादी होती थी, बड़ी आसानी से बातों में आ जाती थी, उनको कहते थे कि यार तुझे पप्पू का सोडा पिलाऊंगा, अंडे वाला बर्गर भी खिलाऊंगा, गोलगप्पे भी शीदे के गोलगप्पे खिलाऊंगा, हैं चूड़ियां दे दो, तो बड़ी खुश हो जाती थी। अब लड़कियां बड़ी तेज हो गई हैं, अब वो कहती हैं कि मुझे ना KFC से बर्गर खाना है, मैकडोनल्ड से खाना है, मुझे ना खाड़ी का सूट ले दो, मुझे आईफोन ले दोगे। जब मैं नाई की दुकान पर गया, इतना रश ईद और चांद रात पर नहीं मैंने कभी देखा, हर बंदा जो है वो बैठा हुआ है तैयार होने के लिए, यार जरा कस के शेप कर दो यार, फेशियल कर दो यार, बालों को डाई कर दो, 20 रुपए ज्यादा ले ली लेकिन मुझे सही चिकना करके उठाई यहाँ से। घर में बात नहीं कर सकते, होते ही दो तीन कमरे हैं, दो तीन कमरों में भी घर छोटा होता है ना, सारे लोग इकट्ठे ही बैठे होते हैं तो बहुत मुश्किल से बात करनी पड़ती है, तो वो बेचारे रोड पे खड़े होते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नेटवर्क का इतना बड़ा इश्यू है, रोड पे 4G चल रहा होता है, जैसे ही गली में आते हैं 3G हो जाता है, अब वो जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है घर के पोर्च में आता है 2G हो जाता है, तो कमरे में आता है तो 1G हो जाता है, अब ठंड लगी रजाई में घुसे तो पता चला जी इंसर्ट सिम। एक तो नेटवर्क का इश्यू, घर में बात भी नहीं हो सकती और बात करनी भी जरूरी है। बेचारे ने इतने ख्वाब देखे होते हैं, क्योंकि लड़की इसको बता चुकी होती है कि मेरा फिगर तो महविश हयात की तरह है, आंखें मेरी आयजा खान की तरह है, तो ये भी जनाब पूरी तरह से दानिश बन चुका होता है। जितने की एक रोटी तंदूर से नहीं मिलती उतने का व्हाट्सएप पैकेज मिल जाता है आजकल, पैकेज भी इतना ज्यादा होता है, इतनी लंबी बातें की जाती हैं कि बच्चों के नाम तक सोच लिए जाते हैं और कहते हैं कि अगर बेटा हुआ तो नाम मैं रूमी रखूंगी, और बड़े मजे से जो है ना ये कह रहे होते हैं कि हम मिलेंगे तो सिर्फ 14 फरवरी को ही मिलेंगे, वैलेंटाइंस डे पर ही मिलेंगे, प्यार करने वालों का दिन है। जो लड़का फोन करके पूछ रहा होता है कि कहाँ कौन सी वाली हो तुम, वो रेड दुपट्टे वाली, एक दूसरे को पसंद आ जाए तो सीधा होटल में, और होटल में जाते ही दोस्तों को फोन कर रहे होते हैं यार किस तरह चेक करूं कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगा, अगर पसंद ना आए तो फौरन ही कह देता है यार मैं जा रहा हूँ मेरी नानी का एक्सीडेंट हो गया। आजकल की लड़कियां भी बड़ी तेज है, वो पहले से ही ना पेंडिंग में 2-3 को रख लेती है, कॉल करके पूछती है कौन से वाले हो तुम, तो वो कहता है मैंने वही रेड कलर की शर्ट कस के पहनी होती है, अगर तो अच्छा लगा तो मिल लेती है और अगर अच्छा ना लगे तो फौरन ही कह देती है यार तुम कहीं आगे पीछे हो जाओ, मेरा भाई भी इधर आया हुआ है यार, मेरा भाई भी आया हुआ है। अब जो इन्होंने ऑप्शन में पेंडिंग में दूसरे को रखा होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी निकल आए तो उसको लेकर साथ घूमती रहती है, और जो पहले वाला होता है वो फूल लेकर पीछे पीछे फिर रहा होता है, लेकिन ये उसको मैसेज कर रही होती है मेरे पीछे मत आओ मेरा भाई है साथ। अब जो बेचारा साथ चल रहा होता है उसको भी ये
अंदाजा नहीं होता कि 2 साल बाद ये तुम्हें भी अपने बच्चों का मामू बनाएगी। अब ये मिडिल क्लास लोगों का सबसे एक जबरदस्त डायलॉग होता है, कुछ भी ना कर सकते हो ना, भले अपने लिए इजी लोड भी दोस्तों से पैसे लेकर डलवाते हो, लेकिन ये डायलॉग उन्होंने लाजमी बोलना होता है, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को यही एक ही बात झूठी कहानियां सुना रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से बात ही नहीं की, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को देखता भी नहीं। यार वैसे मैं वैलेंटाइंस डे के खिलाफ हूं, बहुत ज्यादा खिलाफ हूं यार, ये गंद है, आप यकीन करें, ये गलाजत है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारे माशरे को गंदा कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जागदे रहना तो साढ़े तना रहना, कंटिन्यू ही लांदे रहना। टेक केयर, बाय बाय।